पिछले कक्षा में हमने लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस डिफिनीशन देखा। आज के कक्षा में हम एक लास्ट में हमने कम एग्जाम्पल भी किया था। इस कक्षा में हम आगे के एग्जाम्पल्स कहेंगे और उनको थोड़ा सा और विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर एक, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन जी। सॉल्यूशन गिवन दैट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो। दीज इक्वेशंस मेक्स ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनइक्वालिटी। व्हाट विल बी देयर टू थिंग्स गिवन दैट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो। तो हमको क्या करना है, हमको एक्स का ऐसा मान प्राप्त करना है जो इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे। अब अगर यहाँ से हम एक्स का मान निकालें तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वन। ट्रांसफर किया हमने तो माइनस वन का क्या हो गया, प्लस वन, और यहाँ से क्या है, एक्स इज लेस देन जीरो। अब एक्स इज इक्वल टू वन है तो इसका मतलब क्या कि जो एक्स इज इक्वल टू वन है ये तो एक पॉजिटिव नंबर हुआ ग्रेटर देन जीरो, और दूसरी कंडीशन क्या कही है कि एक्स क्या है लेस देन जीरो। तो अब एक्स का कोई भी ऐसा मान नहीं होता है जो वो भी नॉन जीरो, जो खुद भी निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी होंगे नहीं कह रही है, यहाँ ग्रेटर देन और यहाँ लेस देन का सिंबल है। इसका मतलब कि जो इसके लिए हम सॉल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं वो सॉल्यूशन सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी सॉल्यूशन सेट क्या है, इम्प्टी है। जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, इम्प्टी है, फाई है। इसका मतलब हमने क्या कहा था कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का, इक्वालिटीज का, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ एग्जिस्ट नहीं किया, इसका मतलब कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन आर इनइक्वालिटीज इज इनकंसिस्टेंट मीन्स दैट इज हैव नो सॉल्यूशन। अब इसी चीज को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ से देखेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक इनइक्वालिटी है एक्स इज लेस देन जीरो। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कहेंगे कि ये कोई आपका एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, तो वो ओरिजिन हो गया, कोऑर्डिनेट आपने पुट कर दिया। अब क्या है, आप कहेंगे कि यहाँ से कि ये तो वन फोर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब इधर से वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो एंड सो ऑन, यहाँ से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर सो एंड सो ऑन, इस टाइप से आप खींचेंगे। अब क्या है, जैसे ही कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू वन मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन, ये पॉइंट हुआ
जहाँ x इज इक्वल टू वन है। अगर ग्राफ आप खींचना चाहें तो आपको आप कहेंगे कि यही लाइन होगी कि जो क्या कहेगी x इज इक्वल टू वन को रिप्रेजेंट कहेगी, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू वन या x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आप चाहते हैं दूसरा खींचना कि x इज लेस देन जीरो, जो सिस्टम आप इनकंक्लूसिव में चाहे इक्वेशन में जो दिया हुआ है, तो x इज लेस देन जीरो किधर होगा, तो आप y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड होता है पार्ट वो निगेटिव होता है, राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और y एक्सिस पे जीरो होता है। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है y एक्सिस को छोड़ते हुए सबके सबका रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वो क्या है तो लेस देन जीरो है, तो एक एंड लेस देन जीरो। अब क्या है, दोनों जो हमने सिस्टम आप लीनियर इनइक्वालिटीज के जो ड्रा किया हमने ग्राफ, तो दोनों में कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि अगर सॉल्यूशन होता तो कुछ ना कुछ कॉमन होता, इसलिए यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सिंस ग्राफ हैज नो कॉमन पार्ट, आ पॉइंट सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन, हेंस सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस एंड इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट बाय डेफिनेशन। अब हम एक सेकेंड एग्जांपल का स्टडी करेंगे, एग्जांपल नंबर टू। एग्जांपल नंबर टू में हम कहेंगे कि एक कोई फिर इसी टाइप से हम डिस्कस करेंगे कि क्या है कि कहेंगे कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो जो चीज़ें दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ तो दोनों इक्वेशन है, तो क्या हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। तो हमको जो यहाँ करना है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है उसको हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, किस टाइप से होगा। तो सॉल्यूशन हम इसका लिखेंगे, सॉल्यूशन वी हैव टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इन जनवा हम क्या करते हैं कि इनको सांग करते हैं, तो हम देखते हैं कि अब इसको कह दें कि ए वन है तो इसमें भी ये वन का एक पार्ट ए है और यही वन का एक पार्ट बी है। तो अगर इसमें हम दो से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा। अब हमने कहा कि इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दें और फिर तो टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है और दूसरा है एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब जैसे ही ऐसा हम करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बी बाई टू एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन वी है, क्या हमारे पास होगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बी सब
ऑब्जेक्टिंग फॉर्म 1a, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि एक तो 2x + 4y + 3 = 0 दिया हुआ है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो +2 = 0, सबट्रैक्ट किया आपने तो यहाँ कुछ ऐसे आ गया कि 1 = 0. दिस इज एब्जॉर्ट एग्जॉर्ट, दिस इज एब्जॉर्ट एग्जॉर्ट मीन्स हैज नो सॉल्यूशन. यानी यहां भी क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंस है. इनकंसिस्टेंट. और हम इसी चीज को आपको फिर ग्राफ से दिखाएंगे कि हम कहेंगे कि जब हमको आप खींचना चाहते हैं तो फिर हमने कहा कि कोई ए एक्स एक्सिस है एक्स एक्स डैश, वाई एक्सिस है वाई वाई डैश, ओरिजिन है. हम फिर वैसे कहूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4. अब क्या है, हमको जो चीज़ें हैं एक तो है कि 2x + 4y + 3. तो जैसे ही आप कहेंगे कि दोनों चीज़ों का बात करें कि एक तो है 2x + 4y + 3 = 0, सेकेंड है x + 2y + 1 = 0. अब क्या हम कहें, इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस दिया जाएगा और गुणा कर देंगे माइनस से, -2x - 4y = 3. इधर का पार्ट हमने पॉजिटिव बना लिया, इसको कर सकते हैं -x - 2y = 1. अब क्या है, हम अंतःखंड के रूप में चेंज करके इक्वेशन खींचना चाहेंगे तो हम कह देंगे कि ये तो है x और यहाँ से क्या है -3/2 हो जाएगा और प्लस y / -3/4 हो जाएगा = 1. यहाँ से क्या होगा x - 1 और यहाँ से हो जाएगा y - 1/2 = 1. जब इसका ग्राफ खींचना चाहेंगे आप तो -3/2 चाहिए x का मान, तो -3/2 कहीं कहाँ होगा और इसके लिए -3/4 y का मान तो यहाँ कहीं होगा. तो यह एक लाइन आपको मिलेगी इस टाइप से जो रिप्रेजेंट करेगी कि 2x + 4y + 3 = 0. सेकेंड लाइन है कि x / -1 यहाँ है और दूसरी चीज कि -1/2 ये देखिए आप. अब एक्चुअल में हुआ क्या कि यह जो दोनों लाइन है आपस में पैरेलल है. तो बाई ग्राफ इट किंग यर डेट बोथ लाइन्स आर पैरेलल. जब पैरेलल है तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीन्स इट नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. हेंस नो पॉइंट इज कॉमन. सो देयर आर नो सॉल्यूशन देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. अब फिर अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे
एग्जाम्पल नंबर थ्री। तो आप क्या कहेंगे कि फाइंड दी ग्राफ ऑफ किसका, तो एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इज लेस देन जीरो, फोर एक्स माइनस वाई लेस देन टू एंड वाई ग्रेटर देन जीरो। आगे भी क्वेश्चन बढ़ाया है, वो कहे कि ऑन द ग्राफ मार्क थ्री पॉइंट्स, वी हैव टू इक्वेशन थिन इन क्वांटिटी दैट मैक्स सिस्टम ऑफ इन क्वांटिटीज इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव इज लेस देन जीरो, फोर एक्स माइनस वाई इज लेस देन टू एंड वाई इज ग्रेटर देन जी। व्हाट विल बी हैपेंड हियर, तो आस्क वी टू ड्रॉ द ग्राफ, देन वी हैव थ्री थिंग्स एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव लेस देन जीरो, अनदर फोर एक्स माइनस वाई लेस देन टू एंड वाई greater than zero. Reduce such into equation, we have क्या होगा कि x plus 2y minus 5 is equal to zero, 4x minus y is equal to 2 और y इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप में बदल जाएगा। तो ये सिस्टम ऑफ, हमने क्या कहा, सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज कीजिए, क्योंकि हम ग्राफ एंगल ड्रा करना चाहते हैं। अब इसे ही हम ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे, तो अब इसको इधर ट्रांसफर करिए आपने, तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव, ये तो ठीक है, फोर एक्स अपान टू माइनस वाई अपान टू इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू जीरो, मीन्स अब ये हो गया एक्स अपान फाइव वाई अपान फाइव अपान टू इज इक्वल टू वन, एंड ये क्या हो गया कि फोर एक्स वन बाई टू एंड माइनस, तो प्लस कर दीजिए वाई माइनस टू इज इक्वल टू वन एंड एक्स एक्सिस। अब आप ग्राफ खींच सकते हैं, जैसे ही आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ये हो गया आपका ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव सो एंड सो ऑन। अब क्या है एक्स अपान फाइव, तो यहाँ कहीं फाइव होगा, फिर क्या है वाई फाइव बाई टू, फाइव बाई टू का मतलब कि टू एंड हाफ, तो यह एक आपको लाइन बन गई, ये लाइन इसको आपने क्या कहा कि x प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव। अब हमको इस लाइन से तो मतलब नहीं है, हमको कहना है क्या x प्लस टू वाई माइनस फाइव इज लेस देन जीरो, x प्लस टू वाई माइनस फाइव इज लेस देन जीरो। तो ओरिजिन को हम सेटिस्फाई करेंगे कि देखेंगे कि ये ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं,
तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीओ वाई इज इक्वल टू जीओ देन जीओ टू जीओ माइनस फाइव means minus 5 is greater than 0, 2. Means solution set containing origin. This. This area is said to be x plus 2y minus 5 is greater than 0. Now we have want to check 4x minus y is equal to 2. So x upon 1 by 2. 1 by 2 any half. And minus 2. This is going to have 5. So this is minus 2. Draw the line. Like this, it will be 4x minus y is equal to 2. Now you want to what see? This divide two part, one side it and one side containing origin. Now we check putting x is equal to 0, y is equal to 0, 1. So 0 into x minus 0 less than 0. Means Geo is greater than 2 containing origin. Then what will be this? This state. This area is 4x minus y less than 2. This part is common for 2. Now we want to what? Y is greater than 0. Y is greater than 0. When we want to y is greater than 0, to power it first, y is equal to taking 0 x axis. 0 is equal to 0. It will be 2. So x axis is this. And y is equal to 0. Now what we want to? Y greater than 0? But no, above part of it. 1, 2, 3, 4. So y greater than 0. Above x axis. Means this type. Now, what will be common? In this case, common part is like this. This is common part. This is common part means this part is solution set for system of inequality. Solution set for system of inequalities. So common part in graph gives solution set up linear inequality system of linear inequality system. What will be very good now
In this case, you want to say what doing be wengu, so you can see, go to here, 1 by 2, 2. And here, the 1 by 2, 2. So this is a samusa. And other thing, what will be 1 by 2 minus 1 comma 1. Minus 1 comma 1. Here, something happened. And we can say that 1 by 2 to minus 1 comma 1 minus 5 comma 4 are 3 parts. But we comment that there is finite number of samusa exist. This is graph and quadratic. Now we have gives another example number 4. Draw the graph of graph of 4x plus 3y greater than equal to 6. Mark two solutions of these on the graph. Two solutions of these on the it is easier than previous. Draw the graph. We given that 4x plus 3y less than equal to 6. 1. Reduce it into 4x plus 3y is equal to 6. What will be 4x upon 6 plus 3y by 6 is equal to 1, and x 3 by 2 plus y by 2 is equal to 1. Draw the graph x dash origin. X upon 3 by 2, 1 and half, 2. This line is 4x plus 3y is equal to 6. Now it divided into two parts, one containing origin, another is not containing. The putting x is equal to 0, y is equal to 0 in 1, 4 into 0 plus 3 into 0 is greater than equal to 6, 0 is greater than equal to 6, 2. So, solution set containing origin. Solution set and 4x plus 3y is equal to
6. We have to need to mark 3 points. Then we have any 3 points. Say, minus 3, 0. Say, minus 3, 6, and minus 6, 2, minus 3, here, and somewhere here, minus 6, 2, somewhere here. We can also say this point also its solution. Means what will we say? Another point point 3/2, 0, 2, and so on.